हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बेसिकली आरएमसी स्टूडेंट्स के लिए है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है आरएमसी के लिए, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पेज में मुझसे पूछा था कि सर आरएमसी का हम टाइम टेबल कैसे बनाएं या कैसे अप्रोच करें या कैसे अप्लाई करें, तो आज मैं वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। उसके अलावा क्योंकि ये जो बच्चे हैं सारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, और ये जो जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं ये लगभग 2 बजे स्कूल से आते हैं या 2:30 या 3 बजे तक भी पहुंचते हैं, तो इनको कैसे वो टाइम मैनेज करना है, तो 2-3 घंटे इनको बचते हैं क्योंकि इनको अपने स्कूल का होमवर्क भी करना पड़ता है, तो 3-4 घंटों का टाइम इनके पास बचता है इन बिटवीन, और उसी में हम लोग आज फोकस करेंगे। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे हमारा टाइम टेबल कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम मैक्सिमम टाइम देंगे। प्लस आपको टाइम अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी देना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी देना है, तो वो भी मैं टाइम टेबल में मेंशन करूंगा, वो वंस अ वीक भी इनफ है। ठीक है, ओके। सो मंडे, इफ आई से दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ठीक है, हम लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं बना रहा हूँ 4 to 5:15 इन द इवनिंग, हाँ 4 to 5:15, ठीक है, और 5:15 to 6:30, ठीक है, तो 2 घंटे मुझे लगते हैं कि बच्चे के पास इवनिंग में 4 से 6:30 तक का टाइम रहता है जिसमें बच्चा अच्छी मेहनत कर सकता है। ठीक है, तो डेली कम से कम उसको 2-2.5 घंटे तो देने ही देने हैं आरएमसी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टाइम ना ही विल गिव फॉर हिज होमवर्क ऑल्सो, और उसको रेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए। तो बच्चा जैसे 2 या 3 बजे पहुँचे घर पर, तो पहले 3 से 4 वो रेस्ट ले, मैं चाहता हूँ 1 घंटा उसको रेस्ट मिले और फिर 4 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो मंडे को ही कैन स्टार्ट विथ मैथ्स। ठीक है, आप मंडे को मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हैं, आप पहले 4 से 5:15 मैथ्स दें और 5:30 से 6:30 आप जीके को दीजिए। ठीक है, जीके कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे स्पेसिफिकली। आप जीके में फिलहाल जो हमारे करंट अफेयर्स हैं डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के, वो आप पढ़ सकते हैं, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि जीके बहुत ह्यूज है, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आरएमसी एग्जाम में करंट अफेयर लिंक ज़्यादा आता है, तो आप जीके में जो हमारे करंट अफेयर्स है वही पढ़िए, उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स या आरएमसी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा जीके का, वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप हमें व्हाट्सएप करिए। प्लीज़ आप अपने नंबर्स नीचे कमेंट बॉक्स में मत डालिए, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स, यू कैन ओनली राइट करंट अफेयर्स एंड फॉर आरआईएमसी एंड देन वी विल व्हाट्सएप यू द करंट अफेयर्स, ओके। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से भी मंथ वाइज उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मंडे हमने देखा मैथ्स और जीके, हमने 1.25 घंटा मैथ्स को दिया और फिर 1.25 घंटा वी हैव गिवन टू जीके। ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट ट्यूजडे अगेन मैथ्स प्लस विथ मैथ्स इंग्लिश, ठीक, आप फिर इंग्लिश को दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट राइटिंग पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राइटिंग पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को एसेज इसमें समरीज लिखनी पड़ती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनसडे देन इंग्लिश एंड देन अगेन जीके। थर्सडे मैथ्स प्लस जीके एंड फ्राइडे इंग्लिश एंड मैथ्स। सैटरडे 4 to 5:15 सैटरडे यू कैन फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट, सो आई विल राइट हियर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। What you will do in this personality development, ठीक है? What you can do, you can practice that how you will deliver your introduction. Apart from that, उसके अलावा आप जो से newspaper पढ़ सकते हैं ताकि आपका जो pronunciation है वो और better हो, ठीक है? आप अपने friend के साथ ये practice कर सकते हैं जो serious है RMC exam के लिए। उसके अलावा 5:15 to 6:30 आप self analysis करिए, आप अपना एक test लीजिए, ठीक है? हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग जो यहाँ पर आरएमसी के बच्चों के लिए जो टेस्ट पेपर्स बनाते हैं वो हम अपलोड करेंगे अपने वेबसाइट में, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
और आप सैटरडे एक घंटा टेस्ट दे सकते हैं डेली। ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसमें अगर नोटिस किया, और संडे 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 इज़ फॉर रिविजन, ठीक है, संडे आप रिवाइज करिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली जब भी आपको टाइम मिलता है अपने अकॉर्डिंगली आप इन इन सारे सब्जेक्ट्स को एक बार और फिर रिवाइज करिए संडे, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो मैथ्स को हमने 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो मैथ्स हमने वीक में 4 बार हमने करा है, मैथ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए। उसके बाद इंग्लिश को वी हैव टेकन इंग्लिश 3 times एंड सेम एज जीके वी हैव टेकन 3 times, ओके। फिर एक दिन हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को दिया और टेस्ट को दिया है। तो अगर हम ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली डेली, देखो 2 घंटे हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं, 2 से 2.5 घंटे आपको डेली देने हैं। अगर आप 2 से 2.5 घंटे डेली दे रहे हैं, इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका आराम से निकलेगा। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो और कुछ डिटेल में अगर मैं आपको बता सकूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर जीके के लिए कैसे अप्रोच करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। और कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा है कि सर मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, वो उसका वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा, ठीक। ऑल द बेस्ट।